घाटशिला प्रखंड के उत्तरी मोहभंडार पंचायत अंतर्गत टुमानडुंगरी स्थित उत्कल एसोसिएशन क्लब के विधायक निधि से निर्मित एक सामुदायिक भवन एवं शेड फेवर्स ब्लॉक कार्य का शिलान्यास गुरुवार को किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के कार्यों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों को छोड़कर लगभग 100 लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने सभी को पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर जोरदार तरीके से गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, साथ ही सबका हौसला अफजाई किया। वहीं टुमानडुंगरी स्थित आदिवासी क्लब भवन निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। मौके पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि उत्तरी मोहभंडार पंचायत में विधायक निधि से 22,50,000 रुपए के खर्च पर बनने वाले 2 क्लब निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों का वर्षों पुराना मांग आज धरातल पर उतर गया है, जिससे ग्रामीण बहुत ही खुश हैं। आज राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि राज्य सरकार के जनहित कार्यों में अपना सहभागिता निभाए। मौके पर केंद्रीय सदस्य कानू सामंत, जिला कोषाध्यक्ष कालीपत गोराई, झारखंड श्रमिक संघ अध्यक्ष काजल डॉन, घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम, धालमुमगा प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन हांसदा, जिला खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष विमल मार्डी, प्रखंड उपाध्यक्ष सुखलाल हांसदा, प्रखंड कोषाध्यक्ष अम्पा हेम्ब्रम, सुशील मार्डी, प्रताप दास समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आज हमारा 2 कार्यक्रम था। गोपबंधु क्लब का वहाँ एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष ने विभिन्न राजनीतिक दल छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ कमल दास के नेतृत्व पर। और वहाँ भी मैंने गोपबंधु क्लब जो बहुत ही जर्जर स्थिति था, और वहाँ पर किचन रूम का भी स्थिति खराब था, हमने अपना जेई से एस्टीमेट बना करके जो 14 लाख रुपया का एस्टीमेट बना, और सब प्रशासनिक स्वीकृति करते हुए आज उसका शिलान्यास किया। सामुदायिक विकास हॉल और किचन हॉल दोनों मिला करके 14 लाख रुपया का काम शिलान्यास किया, जिस पर उस क्षेत्र के तमाम गरीब गुरबा यहाँ के लोग शादी विवाह श्राद्ध में उस जगह जाकर के वो लोग अपना शादी विवाह का कार्यक्रम भी कर सकता है, श्राद्ध का कार्यक्रम में भी उस क्लब का भवन का वहाँ कर सकता है, क्योंकि सारी व्यवस्था हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आदिवासी क्लब भी कई बार में आया है, इसका भी देख जर्जर स्थिति है, तो मरम्मती लायक है नहीं। यहाँ भी इसको पूर्ण रूप से नया हम देने का हम काम किया है, जो 8.5 रुपये का लागत से होगा। ये पुराना इसको पूरा तोड़ करके नया क्लब भवन बनेगा। और इसके साथ साथ यहाँ का कई एक समस्या है, कई वर्षों से जो सरकारी ज़मीन में घर बस के रह रहे हैं, और ये लोग कई बार बोल रहे हैं कि आवेदन किए कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन आज हमारी सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने आप देख रहे हैं, ये आवास आबो आवास के लिए घर घर गांव गांव में पंचायत ने योजना को चालू करने के लिए एक सेमिनार, एक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आबो आवास देने का काम कर रहा है, शुरू किया था, आज दे भी रहा है। उसका वन अधिकार नियम के नियम से पट्टा देने का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ का मामला मुझे पता चल रहा है कि सरकारी ज़मीन में बसा हुआ है, लेकिन ये लोग को बंदोबस्ती नहीं दिया जा रहा है, नहीं किया गया है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इस पर भी मैं पहल करूँगा, अगर कोई वर्षों से कहीं भी घर बना करके रह रहा है तो उसका एक प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए सरकार की ओर से कि ये आदमी इस जगह में इतना वर्षों से रह रहा है, किसी भी तरह का एक प्रमाण होना चाहिए। और ये प्रमाण दिलाने के लिए हम ये लोग का आज बोल दिया, मैं काम करूँगा, इस पर पहल करूँगा। जो भी सरकारी ज़मीन में घर बना करके अगर 10, 20, 25 वर्षों से रह रहे हैं, उसको एक प्रमाण पत्र तो ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का भी हो। आने वाले समय में इसको उतना हड़बड़ी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर, ये अभी का समय में कभी भी किसी से आचार संहिता लग सकता है, लेकिन उसमें हम लोग को कोई चिंता नहीं है। आज हम सरकार में हैं, और आने वाला समय में कभी भी चुनाव करा ले, निश्चित रूप से आज हमारी सरकार हेमंत सोरेन सरकार है,
आने वाला समय में भी जब भी चुनाव करा ले, हेमंत सोरेन सरकार ही, हेमंत सोरेन सरकार में ही रहेंगे, वही राज्य का मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए हमको काम करने के लिए कहीं अड़चने नहीं है, दिक्कत नहीं है। जो काम हमने शुरू किया, निश्चित रूप से वो काम को पूरा इमरजमा पहना करके पूरा करके ही हम लोग छोड़ेंगे। उसे उसके बेटे का नाम।